नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलेरसेट एम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अलेरसेट एम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अलेरसेट एम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अलेरसेट एम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अलेरसेट एम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। अलेरसेट एम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लिवोसेट्रिजीन और मोंटेलुकास्ट होता है। लिवोसेट्रिजीन एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मोंटेलुकास्ट अस्थमा और अस्थमा की वजह से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदि लक्षणों को नियंत्रण करने व ठीक करने में मदद करती है। अलेरसेट एम टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए अलेरसेट एम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर, क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर, त्वचा पर रैशेस और खुजली होने पर भी अलेरसेट एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अलेरसेट एम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अलेरसेट एम टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स अलेरसेट एम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अलेरसेट एम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। अलेरसेट एम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर अलेरसेट एम टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। अलेरसेट एम टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अलेरसेट एम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अलेरसेट एम टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और अलेरसेट एम टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलेरसेट एम टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। वैसे अलेरसेट एम टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर प्रेग्नेंट महिलाओं को अलेरसेट एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए अलेरसेट एम टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अलेरसेट एम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका अलेरसेट एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।